मेरी तुम यहाँ? ये कैसे हो गया? मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा कहीं? क्यों, मेरी स्पार्क में एंट्री क्या ममनू है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो मैं भी अक्सर इस पार्क में आता रहता हूँ, लेकिन मेरी तुम आई हो तो ये कितना खूबसूरत हो गया, ये पूरा पार्क कितना नजारा, सब कुछ कितना हसीन हो चुका है, और तुम कितनी हसीन लग रही हो, उसकी लिबास, ये रंग लगता है सब तुम्हारे लिए बना है, तुम कहाँ थी इतने टाइम से? लगता है आज तुम्हारी बीवी साथ नहीं आई इसलिए इतना बड़बड़ के बोल रहे हो। बीवी? बीवी किसकी? मैंने तो शादी भी नहीं की, मैं तो इतने अरसे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हारी याद में तुम्हारी सोच में गुजार दी मैंने, और देखो मेरी खोज जाया भी नहीं हुई। वैसे बातें बनाने और लोगों को शीशे में उतारने के तो बड़े माहिर हो तुम, और ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी वो बीवी ना हो? तुमने जिसकी वजह से मुझे छोड़ा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने उसे भी ना अपनाया? देखो मेरी, मैंने पहले भी ऐसा कुछ नहीं किया था और अभी भी ऐसा कुछ नहीं किया, तुम दोबारा से मेरे साथ ज्यादती कर रही हो, ना करो प्लीज। अच्छा तुम बैठो ना, मैं तुम्हें सब कुछ लेकर ना चाहता हूँ, प्लीज बैठो ना। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं वैसे भी ना यहाँ उजाला परी और बाबर के साथ आई हूँ, और अभी वो आते ही होंगे, और अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ मेरे साथ देख लिया ना तो पता नहीं क्या सोचेंगे, खास तौर पे परी। मैं सबको मना लूंगा, जो भी है मैं सबको मना लूंगा, लेकिन तुम प्लीज मेरी बात तो सुनो ना। बहुत वक्त गुजर गया बाज़, हमारी मोहब्बत अभी भी जवान है मेरी, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मेरे दिल में तो है, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। देखो मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ना मेरा नंबर ले लो और कॉल कर देना, जब मेरा मूड होगा ना तो सुन लूंगी तुम्हारी बात। हाँ हाँ हाँ, नंबर दो ना अपना, लेकिन पहले बैठ तो जाओ प्लीज।